जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिसियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मिस्त्री उस्त्री आप लोगों को पता है, कोई तो आ नहीं रहा है, तो उसका कम से कम एक ट्रक माल जो आधा पहुँचा है आधा बाकी है, आज जा रहे हैं वही देने के लिए, और मैं भी साथ में जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल मतलब होते नहीं, कुछ भी इनको डांटे कुछ भी करे, पैसा दे ना दे ऐसे स्माइल करते रहते। ये देखिए हमारे पति देव ऐसे स्माइल करते रहते, तो वही मुझे थोड़ा सा, मैं बोलूँगी मुझे पैसे की ज़रूरत है, और आप प्लीज़ दुकान वालों को बोलूँगी दे ही दीजिए पूरा, तो वही पूरा लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और महिला होने के कारण ना क्या बात, बहुत सुनते हैं और बहुत मानते हैं। इधर देख सकते हैं बोरा सब भी फट गया है, गणेश जी काउंटिंग कर रहे हैं, जितना थैला वैला आया है भैया वो लोग चढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे पास समय ही नहीं है कि सबका भी काम करे, फिर भी हम लोग बोले घर जल्दी बन जाए, तो उस चक्कर में हम लोग थे, लेकिन आप देख ही रहे हो डेली का ब्लॉग में हमारा अभी क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है कैसे नहीं, तो अभी हर एक जगह का जो जो जिस जिसका दुकान का है वो अलग अलग करके रख रहे हैं, और इधर से ऑटो में भी आधा चढ़ा दिए, सबको अलग अलग ढील लगा रहे हैं ना, देने में सुविधा हो ना। ठीक है, दोस्तों इतनी गर्मी है कि क्या बोले, सबका हाल बेहाल है। मैं पहले डर गई, मैं बोली ऑटो में अटेगा कि नहीं, इतना सारा माल है, हम बोले एक ट्रैक्टर बुला लीजिए, गणेश जी बोले 10-10 हज़ार का माल इसमें गया है, तो ट्रैक्टर बुलाने का क्या ज़रूरत है। देख सकते कैसे भी करके भैया ने सब, जी हिसाब पत्र हुआ कि नहीं जी, है ये क्या हुआ ना, थैला यहाँ पर बहुत सारा था ना, तो लोगों ने निकाल लिया, तो सब रस्सी वस्सी खोल खाल के तोड़ ताड़ के रख दिया, तो अब इसको चिंगड़ी में बांध लिए, और गणेश जी बोल रहे कि ऊपर में डायरेक्ट दे देंगे ना रस्सी से बांध के। जी ऊपर ठीक, पसीना कितना, बहुत बहुत गर्मी इतनी है, आप जी देखिए दो दुकान का बाकी है, और अभी जाके धूप भी कम हुआ है, तो इतनी धूप दे रही थी, इतनी धूप की क्या बोले, अब शायद बारिश हो, क्योंकि 4-5 दिन से इतना भयानक धूप है कि क्या। कौन उठा रहा है, जोहार दोस्तों, फिर से मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो, हमारे साथ जो हो रहा है, हम लोग ये पहले ही बोले थे, जो हमारे ठेकेदार है उसका नाम मैं लूंगी, सबके सामने लूंगी, ये पहले ही बोले थे कि आज हम थैला वैला पहुंचाएंगे, और उन्होंने भी कहा बुद्ध पूर्णिमा है, तो हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे, यहाँ क्या बोलते हैं नागपुर में, तो हम लोग सब वहीं पर जाएंगे, तो हम लोग बोले ठीक है आप लोग जाइए, और इधर से हम लोग अपना काम निपटा लेते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, ना फ़ोन किया ना कॉल किया, इन्होंने गणेश जी ने कम से कम 7-8 बार कॉल किए, ये जो हमारे लेबर है उन्होंने भी कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, और वो आए थे या कौन आया था, हवा में हमारी जो कैमरा है वो अभी आज से ना, आज या कल से बंद है कैमरा, बाकी सब चालू है, वो एक सिर्फ बंद है, यहाँ का नहीं ना दिख रहा है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चला ना, तो हम लोग ने ध्यान भी नहीं दिया कुछ भी नहीं, अभी हम लोग ये क्या बोले थोड़ा देख लेते हैं, सामान सीमेंट वगैरह सब कुछ हमारे यहीं पर है, तो उधर से काम करके आ रहे हैं सोचिए, और यहाँ पर आ रहे हैं भयावह दृश्य, जितना बम्बू अम्बू लाया था पैसा हम लोग दिए थे, भाड़ा हम लोग दिए हैं, लाने का दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, 10,000 ऊपरी ये जो ऊपर वाला बनाने के लिए दिए हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग के सामने है, मतलब ऐसा क्या करना चाहिए बताइए, आके दिमाग सनक गया, अगर हम लोग नहीं आते तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कैसा, आप देखिएगा सीढ़ी भी तोड़ दिया है, ऊपर से शायद वो खोला होगा,
नीचे गिराया, सीढ़ी तोड़ दिया। और सीढ़ी उन्होंने नहीं बनाया, पहले जो हम लोग रोजी से लगाए थे उन्होंने बनाया है। और वहाँ जब हम लोग गए, एक दो मिस्त्री भी ढूंढे थैला के बाद, मिस्त्री भी ढूंढे नहीं मिला। ये ड्राइवर भैया बोले और मैं एक दो देखता हूँ मिस्त्री, अगर मेरे पास होगा संपर्क में तो मैं आपको बताऊँगी। तो मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा इंसान हम लोग को मिल रहा है कि क्या बोले। बिना कम से कम आप जिसके वहाँ अंडर में काम कर रहे हो, आप पैसा ऊपरी लेके हो, तो कम से कम बोल के तो जाइए, बोल के तो कोई भी सामान यहाँ से उठा के लेके जाए। कहीं ये वो सब टोपला उपला तो नहीं ना लेके गया, वो हमारा था। वो नहीं, देखना पर्ची पर्ची वगैरह वो उधर जाके देखना पड़ेगा ना, क्या क्या है, क्या क्या लगता है। सब एकदम आड़ा टेढ़ा, प्लास्टर को एकदम छील छाल के चला गया। ये कौन सा बात हो गया, बाम्बू भी एकदम आड़ा टेढ़ा करके रख दिया। कब आया था हम लोग को पता ही नहीं ना, कब आया कब गया वो देखना पड़ेगा हमको, इस पे कब आया था कैमरे में देखो तुम्हारा, वही चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों ये रहा अभी हम लोग क्या बोले, अभी मैं स्टॉप की थी, गणेश जी बोले थोड़ा कैमरा में हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो बल्ली भी निकाल रहे, ये देख सकते हैं कैमरा का तार पूरा तोड़ दिया है। ये देखिए उधर भी टूटा हुआ है क्या, पूरा निकाल दिया क्या, देखिए ना हाथ से दिखाई दो, निकाल दिया ना पूरी, निकाल के यहाँ बांध के गए इसको। हे राम, पूरा कैमरा का तार तोड़ के रख दिया है। दोस्तों ये देखिए कैमरा, कैमरा का क्या हाल करके रखा है। आप लोग बोलते हो ना कि हम लोग इतना क्यों बोलते हैं, ये देखिए अब फोन कर रहे तो फोन भी नहीं उठा रहे, दोनों दो दो कैमरा को झुला के रख दिया। दोस्तों हम लोग ऐसा बहुत से बात जो आप लोग को नहीं बताए, छोटी छोटी चीज जो इधर का उधर कर देना, हम लोग कभी नहीं बताए। हम लोग बोले छोड़िए हमारा घर का काम हो रहा है, अच्छा से हो रहा है, उनको पता है कि कैमरा में देखेगा ये करेगा तो पूरा तार वार एकदम इधर उधर हिला के पूरा कैमरा को एकदम नीचे तरफ झुका के कर दिया। अब बताइए आप लोग बोलते हो कि दीदी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इस हाल में क्या करे, टेंशन नहीं ले तो। अब सबको पता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक से बाबू, पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक सब बिना पूछे ले गया है, और ऊपर से कैमरा का तार तोड़ ताड़ के रख दिया। मेरा तो अब सच में हमको इतना गुस्सा आ रहा है कि जाए चुपचाप जाए पुलिस स्टेशन और जाके केसी कर दे, है कि नहीं गणेश जी, कर नहीं। अब अगर कॉल नहीं उठाया तो कल दोनों जाएंगे और वही करेंगे, बिना और भी सामान इधर उधर किया होगा, इसका मतलब देखना है क्या बोले। ठेला का पैसा नहीं था उसको बम्बू लाने के लिए, हम लोग ने पैसा दिया, जिस दिन आया उस दिन पहले 5,000 दिए, कुछ भी नहीं काम किया, बोला कि हम सामान खरीदना है, उस सामान के लिए तक पैसा दिया। हाँ लाइट चालू करके थोड़ा, मोबाइल में लाइट है, लाओ तीन लाइट लाओ, चेक करना है क्या। दोस्तों इतना परेशान हो गए ना, अभी सब गणेश जी चेक करें कि सारा सामान है कि नहीं, और देख के तो मेरा माथा घूम रहा है। गणेश जी बोल रहे भैया लोग को चलो दो तीन फोन दिखाओ क्या सामान है क्या नहीं, क्योंकि अंदर में हमारी लाइट नहीं जा रही, चेक करने के लिए क्या सामान है क्या नहीं। थैला रख दीजिए ना जी, मैं हूँ ना, यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, थैला रख दीजिए, जाइए उसके बाद चेक कर लीजिए सामान है कि नहीं। दोस्तों शायद बारिश होगी और इतना खराब लग रहा है ना इस हालत में, मैं कुछ भी नहीं, एक एक सामान इधर उधर करके लाई हूँ, सब एकदम पता नहीं ऐसे भी। आप लोग बोलते हो कैसे, आप लोग बोलते हो अच्छा नहीं, देखिए आप लोग अपनी आंखों से देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों मैं वीडियो एंड करती हूँ, सच में मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी।